स्टैंड करता है सबके लिए और सबके लिए एक मोटिवेट करता है। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? आवाज जी, अयाज जमीर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। जी आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं जी, बस ये देख के बस हमारा भी मोराल जो है, हमारा भी वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि दुनिया में लोग हैं जो ऐसे करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें पता हो कि काबिले कदर कॉज है और लोग जो हैंडल कर रहे हैं वो ठीक दिल और ठीक नीयत वाले हैं, तो फिर पाकिस्तानी देते हैं। पाकिस्तानी तो सिनिकल कॉम भी हो गई है, लेकिन दिल फेंक कॉम भी है। जब उसे पता हो कि कोई चीज़ ठीक हो रही है तो फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हमारी तमाम जो जहनी कबातें हम दूर कर देते हैं और वो करते हैं। और यहाँ पे यही देखने में आ रहा है। अब ये ऐसे हैं, ये लोग जो हैं अपना नाम तो बता रहे हैं खान साहब को, लेकिन बस वो करके और फिर एकदम डोनेशन का ऐलान कर रहे हैं। 10 लाख है, 1 करोड़ है, वहाँ से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है। तो ये बस स्पिरिट है हमारी कौम में, बस सिर्फ इसको हम तो यही कहते हैं कि कोई टैप करने वाला हो। आपको भी याज और जहांगीर आपके लिए, जावेद आपके लिए एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो डॉक्टर इशफाक अहमद ख़ान, जो मैं उनको बहुत अपने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक बड़े इंटेलेक्चुअल समझता हूँ, वो मुझे एक दफ़ा वाकया बता रहे थे कि वो प्रेसिडेंट माओ को मिले, चेयरमैन माओ को चाइना में। तो कहते सारे यहाँ बड़े रेवोल्यूशनरी थे वो, तो सब चेयरमैन माओ को एक बड़ी देखते थे, तो ख़ास मिलने गया चाइना चेयरमैन माओ को। तो जब चेयरमैन माओ मिला डॉक्टर इशफाक को, तो उसे कहता कि उसने कहा ना जब मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने कहा इट्स ए ग्रेट कंट्री। तो चेयरमैन जो डॉक्टर इशफाक थोड़ा सा कि ये क्यों इसने कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो उसने एक इंसिडेंट बताया। कहता मेरा चाइनीज़ एम्बेसडर का एक ब्रिज पार्टनर था पाकिस्तानी, और कराची में उन दोनों में कैपिटल होता था पाकिस्तान का। तो कहता वो ब्रिज खेल रहा, गर्मी के दिन थे, वो उसल खाने जाए, पानी ऊपर फेंक के आके फिर खेलना शुरू हो जाए। तो पूछे क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कहता मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो वो बड़ा चाइनीज हैरान हुआ, कहता चुप करके कमरे में जाके पानी पी लो तो कौन देखेगा। तो जब उसने चाइनीज़ एम्बेसडर ने माओ को बताया कि जिन लोगों में ये सेल्फ डिनाइल, ये सेल्फ सेक्रीफाइस की एबिलिटी है कि जो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, तो उससे कहता तुम्हें नहीं पता ये बड़ा है, ये इट्स अ ग्रेट नेशन, लेकिन तुमने अभी इसको डिस्कवर नहीं किया। पॉइंट वो ये कह रहे थे कि जो लोगों को ये सारे जो लोग देते हैं पैसा, मैंने ये सारा डिस्कवर किया जब मैं शौकत आनम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए निकला, मुझे उससे पहले आइडिया नहीं था ये जो इशफाक अहमद खान ने बात की थी। तो जब मैं लोगों के पास गया, आप यकीन करें अयाज, आप लॉरेंस कॉलेज, मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं जब अपने वो जो मेरे साथ पैसे वाले लोग थे उनके पास गया पैसे मांगने, तो हौसला अफजाई तो बड़ी की, लेकिन पैसा कोई नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो एक्चुअली पैसा किसने दिया? आम लोगों ने। और जब आम लोग पैसा देते थे तो मैं उनसे पूछता था कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा नहीं है, क्यों देते हो? तो जो देता था वो कहता था कि ये अल्लाह के नाम पे, यानी क्योंकि अल्लाह कहता है इंसानियत की मदद करो तो इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। सो ये जो पॉइंट है ना जी, कि हमारे लोगों के अंदर जब कोई मसला आता है लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, खुद ही मोबिलाइज हो जाते हैं। और आपने जावेद, आपने, मैंने याद है 2010 का हमने उसके लिए भी पैसे इकट्ठे किए थे, तब वो जब फ्लड आया था 2010 में, उससे पहले जलजला भी आया था। मैंने हमेशा देखा है कि ऑटोमेटिकली लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हम नेशनल एज अ गवर्नमेंट अपनी कौम को मोबिलाइज अब तक नहीं कर सकते। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल खान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपका फॉरेन फंडर आसिफ खान ब्रैडफोर्ड यूके से बोल रहा हूँ। अच्छा आसिफ, थोड़ी जी जी, और थोड़ी तगड़ हुई है, हमें थोड़ी मुश्किल हुई है, यहाँ से लोग पैसे भेजना चाह रहे हैं लेकिन उनको मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको कॉल कर रहा हूँ पैसे डिपॉजिट करने के बाद।
हमने इनिशियली 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस डिपॉजिट किए हैं सीएम केबीके के अकाउंट में, कर दिए हैं, कंफर्मेशन आ गई है और 1. जी 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 अच्छा रابطہ मुनकते हो गया, दोबारा कोशिश कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब एंड जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग माय कॉल। मैं जी डॉक्टर इमरान शरीफ पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, लॉस एंजलिस से कॉल कर रहा हूँ। पहले तो जी हमारी जो दुआएं हैं, हमारी पूरी सपोर्ट जो फ्लड इफेक्टेड विक्टम्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं और पाकिस्तान के साथ हैं, तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें पाकिस्तान में। और जो भी हम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जहांगीर भाई का, जहांगीर भाई ने मुझे एक दिन पहले टेलीफोन के बारे में बताया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं और मेरी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकें और हम साथ आपके साथ डिस्कशन भी कर सकें। और इमरान खान साहब, जब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहूँगा, पहले तो ये कि कल रात मैं शौकत खान मेमोरियल हॉस्टल में आपका एक इवेंट है लॉस एंजलिस में, तो वहाँ पे हम आपका हॉस्टल को सपोर्ट कर रहे थे, मेरी और मेरी फैमिली। और उसके अलावा भी हमने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का, मैं बोर्ड मेंबर हूँ यहाँ यूएस में, और हमने कोई ग्रांट भेजी है अभी 650,000 की पाकिस्तान। उसके अलावा पिछले हफ्ते भी हमने ऑलमोस्ट लाइक 40,000 डॉलर फ्लड इफेक्टेड विक्टम्स के लिए भेजे हैं। उसके अलावा मेरी अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान मेरी जान, जिसके थ्रू हमने डीएफएल में बल्तिस्तान में हमारे वॉलंटियर्स काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, भी हमने 40,000 का मेडिसिन, फूड सप्लाई, ब्लैंकेट, टेंट्स और सारी चीजें भेज दी हैं। तो मैं हमारी तरफ से, मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से, हम 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट लाइक 12,000 डॉलर। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी इमरान खान चेयरमैन साहब से कि मेरी लेट फादर और मेरी मदर रफत जहाँ, हम उनके लिए आपको पर्सनली एक और 75 लाख रुपए, वो जितने भी डॉलर बनेंगे, वो खुद देना चाहेंगे आपको मिलकर। तो प्लीज अगर आप जहांगीर भाई और इमरान खान साहब, अगर आप कुछ के बारे में कुछ कह सकें। जी अगले कॉलर से बात करते हैं, क्योंकि आवाज में प्रॉब्लम था। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने प्लेज भी किया 25 लाख रुपए आपने कहा मेरे और मेरी मिसेस की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मलेशिया से अजीब खान बोल रहा हूँ। जी 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 मैं मलेशिया से आपकी तरफ से एक महीने